बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर। फ्रेंड्स, अगर आपने FBR में किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है और इंशाल्लाह जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे आपने LDC, UDC, स्पाई, डेटा एंट्री ऑपरेटर या स्टीनोटाइपर या इसके अलावा किसी भी कैडर पर अप्लाई किया है और आप उसकी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन या जितने भी टॉपिक्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा वो आपके इंटरव्यू के सिलेबस का हिस्सा है। आपसे जॉब रिलेटेड, मतलब जो LDC UDC वाले होंगे, कंप्यूटर रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको FBR के मुतालिक भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे कि व्हाट इज़ FBR, ठीक है, एक क्वेश्चन लाजमी पूछा जा सकता है तो आपको उसकी तारीफ आनी चाहिए। हम इस वीडियो में अहम टैक्सेशन और कस्टम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, FBR की दीगर जिम्मेदारियाँ, ठीक है, पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं 8 वीडियोस, जिन दोस्तों ने वो वॉच नहीं की वो ज़रूर वॉच कर लें, ठीक है। इसके अलावा हम इंशाल्लाह FBR का जो तंजीमी ढांचा है उसको भी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। FBR के अहम अफ़ाल कौन से हैं, उनके अहम काम कौन से हैं, ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और FBR की अहम मौजूदा जो इकदाम हैं उनके बारे में भी आगाही शेयर की जाएगी, और आखिर में FBR के मुतालिक जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर रख लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जितनी भी FBR के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो उससे आप आगा रहें। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ FBR, ये मतलब आपने इस, आप उर्दू में भी इसका जवाब दे सकते हैं, FBR क्या है, ठीक है ना। तो FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला इदारा है, ठीक है, जो टैक्सों और कस्टम ड्यूटी के इंतज़ाम के लिए ज़िम्मेदार है, ठीक है। FBR की कुछ अब जिम्मेदारियां जो हैं वो भी देख लेते हैं, इसकी तारीफ़ आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। FBR की सबसे बड़ी जो फ्रेंड्स जिम्मेदारी है वो है टैक्सेशन, ठीक है ना। टैक्सेशन का मतलब टैक्स लगाना और टैक्स जमा करना, या इसे हम आसान अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि तरीका है महसूल, ठीक है ना। तो उसमें नंबर एक जो है वो इनकम टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स अफराद, कारोबार और कॉरपोरेशन से इनकम टैक्स जमा करना, ठीक है ना, ये आप याद रखें इसको। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि इनकम टैक्स क्या है तो आप कह सकते हैं कि अफराद और कारोबारी और कॉरपोरेशन से जो इनकम टैक्स वसूल किया जाता है या जमा किया जाता है उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो है वो है सेल्स टैक्स, अशिया और खिदमत यानी जो साजो सामान पर जो टैक्स की वसूली होती है या जो टैक्स जमा किया जाता है उसे हम जो है वो सेल्स टैक्स कहते हैं, ठीक है ना, इसको इसके बारे में भी अच्छी तरह याद रखें। और तीसरे नंबर पर फ्रेंड जो अहम जिम्मेदारी है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, इसमें मखसूस अशिया और खिदमत पर एक्साइज ड्यूटी का जमा करना है। फ्रेंड्स, टैक्सेशन के बाद जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वो कस्टम की है, और कस्टम की जिम्मेदारियों में जो है वो दरामदाद बरामदाद का इंतज़ाम या इंतज़ाम, ठीक है, यानी बैनुल अक्वामी तिजारत को मुनज़्ज़म और सहूलत फराहम करना भी ये कस्टम ड्यूटी में आता है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी जमा करना, ठीक है, दरामदी जो सामान होता है उस पर कस्टम ड्यूटी जमा की जाती है, वो भी कस्टम्स के ज़ेरे निगरानी आती है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी जो अहम जिम्मेदारी है कस्टम्स में, इंसताद स्मगलिंग ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए और कस्टम के कवानीन को नाफिज करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसताद स्मगलिंग ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो अहम और ज़िम्मेदारियाँ हैं FBR की, ठीक, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, उसमें नंबर एक पॉलिसी की तश्कील, ठीक है, पॉलिसी की तश्कील में जो चीज़ें आ जाती हैं वो टैक्स और कस्टम पॉलिसियों पर हकूमत को मशवरा देना, ठीक है, हकूमत को मशवरे दिए जाते हैं कस्टम और टैक्स पॉलिसियों के मुतालिक। दूसरे नंबर पर टैक्स दहिंदखान की खिदमत, जो टैक्स देने वाले होते हैं, टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है, तो उसकी उनकी खिदमत यानी कि कौन सी खिदमत, टैक्स दहिंदगान यानी टैक्स देने वाले को खिदमात फराम करना, उनकी खिदमात में ये हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, उनकी उनके रिटर्न और उनकी रिफंड्स वगैरह को निगरानी करना, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर जो अहम जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, ऑडिट और नाफाज, ठीक है, ऑडिट और ऑडिट का इनकाद और टैक्स और कस्टम कवानीन को नाफिज करना। इसके अलावा चौथे नंबर पर जो अहम जिम्मेदारी है
वो बैन अल-अक़वामी तआवुन है, ठीक है, यानी कि टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए बैन अल-अक़वामी तंजीमों के साथ तआवुन करना, ये भी बहुत अहम ज़िम्मेदारी है। और आखिर में जो अहम ज़िम्मेदारी है FBR की, वो रेवेन्यू इकट्ठा करना, ठीक है, महसूलात के अहदाफ को पूरा करना और पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की में हिस्सा डालना, ठीक है ना, ये सबसे अहम ज़िम्मेदारी जो है वो FBR की है। फ्रेंड्स, अगर आप मज़ीद हम FBR का तंजीमी ढांचा देखें तो फ्रेंड्स इनका हेड क्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद में है, ठीक है, इसके अलावा इनके मुख्तलिफ दफातर हैं, जैसा कि नंबर 2 में आप देख रहे हैं इलाकाई टैक्स दफातर, ये तकरीबन हर मतलब रीजन में होते हैं और इनको RTOs कहा जाता है, ठीक है, ये अच्छी तरह याद रखें, जो इलाकाई टैक्स दफातर होते हैं ना उनको RTOs कहा जाता है। नंबर 3, बड़े टैक्स दहिंदा यूनिट्स होते हैं, ठीक है, ये भी मतलब मुख्तलिफ रीजन में होते हैं और इन्हें LTUs कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 4 पर जो है वो कस्टम कलेक्टोरेट हैं, ये आपने देखा होगा, आपने इनके इनमें मतलब इन आपके जो फिज़िकल कंडक्ट किए जा रहे हैं तो मुख्तलिफ कस्टम कलेक्टोरेट ऑफिस में यही मतलब ये ऑफिस जो हैं यही कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 5वें नंबर पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये भी जो है FBR के शाखे समझ लें या FBR के ऑफिस समझ लें, ठीक है, इनमें भी आपने जो है आप लोगों के फिज़िकल जो है इन दफातर में भी कंडक्ट किए गए होंगे। फ्रेंड्स, आप कुछ इकदाम देख लेते हैं, ठीक है, उसमें ऑनलाइन टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इसके अलावा टैक्स रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, और इसके अलावा ख़ुद का टैक्स का हिसाब किताब, इसके अलावा 4थे नंबर पर कस्टम्स के लिए सिंगल विंडो ऑपरेशन, और 5वें नंबर पर रिस्क बेस्ड ऑडिट सिस्टम। सबसे आखिरी और अहम सवाल ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि FBR को मौजूदा कौन से चैलेंजेस का सामना है, तो आपने इनको अच्छी तरह याद करना है, मतलब टैक्स की चोरी हो रही है, ठीक है, लोग टैक्स जो है पे नहीं कर रहे, इसके अलावा स्मगलिंग जो है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है FBR के लिए, कस्टम डिपार्टमेंट के लिए। 3रे नंबर पर जो है वो करप्शन, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे मुल्क के लिए, ना सिर्फ मतलब FBR या कस्टम डिपार्टमेंट के लिए। और 4थे नंबर पर जो है वो महदूद वसाइल, ठीक है, वसाइल उतनी हाथ उतने मौजूद नहीं हैं, ठीक है, जितने मौजूद होने चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट्स में अमले की कमी, महकमे का अपने काम पर मुकम्मल होल्ड ना होना, अमले के क़याम और तयाम के मसाइल, ये चीदा चीदा आपके साथ जो वसाइल हैं महदूद वसाइल वो भी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी काविश आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो मैंने किस पर बनानी है, कौन से टॉपिक्स पर बनानी है, तो आपने मुझे बताना है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ टॉपिक जो है वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।